Hi everyone. I hope my voice is coming properly. Chaitanya, Avad, Kunal, Mahajan, Vaibhav, Vandana, Ravi. Hi. Okay. I hope it's just a second. Yeah. Alright. So there's a delay hua hai because kuch error aa gaya tha. Tech. That's the reason. Okay. So I hope everyone is enjoying the app and they are giving the daily LRDI one set and the daily RC. Okay. Har roz automatic. 9 बजे लाइव हो जाता है ठीक है. पिछले वाला एक्सपायर हो जाता है. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप डेली का डेली दे दीजिए. वट डू यू थिंक शुड आई पोस्ट दी नोटिफिकेशंस टू यू जैसे वो लाइव हो जाता है कि आप भूल ना जाए, क्योंकि हम नोटिफिकेशन नहीं भेज रहे हैं ऐप में. लाइक सब भेज सकते हैं, जोमेटो वोमेटो सब भेजते ही हैं ठीक है. सो इफ यू वॉन्ट टू प्लीज़ लेट मी नो दैट इट विल लाइक अ रिमाइंडर टू यू एक मॉर्निंग में एक शाम को, ताकि आपको रिमाइंडर आ जाए कि हाँ देना है. सो इफ यू एग्री विद इट देन प्लीज़ कमेंट येस आई विल सेंड यू दी नोटिफिकेशंस just twice in a day. All right, ताकि आप उनको जो free test है ज़रूर से दें. That will help your boosting your preparation. Okay, yes, send notification. All right, we will send it. How many people are watching? Somewhere around 150 or 120. Okay, so please don't forget to hit like button if you like this video. Okay, and today we will do the reading comprehension. बहुत time से मैं बोला था करेंगे. 3 classes already कर चुके हैं, 4th class करेंगे. इसकी पूरी playlist जो भी हम अभी तक live sessions कर चुके हैं आपको app पे ही मिलेगा इसका भी course. ओके सो वो भी ऐप पर ही है. टॉपिक टेस्ट फ्री वाले ऐप पर है और हमारे डेली के जो अभी हमें बात कर रहे थे वो भी आपको ऐप में मिलेंगे ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड इन इज योर वॉल्यूम एट हर एंड के थोड़ा सा तेज बोलते हैं फिर और क्या होगा. एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट यू कैन हेल्प संदीप देसाई सर जो कि एक स्कूल बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए नेपाल बॉर्डर के पास. श्लोका मिशनरीज एक एनजीओ है, एक संस्था है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. आप सब भी चाहो तो 10-10 रुपये दोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा. ऑलराइट, सो इफ यू कैन प्लीज डोनेट ऑन दिस नंबर और यू कैन बैंक यूपीआई नंबर यहाँ पर है उनका, अगर आप यूपीआई करना चाहते हैं बोथ यू कैन डू. एंड अगर आपको रिसिप्ट भी चाहिए आप उसी नंबर पर उनको व्हाट्सएप या फिर मतलब टेक्स्ट मैसेज भेज के कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे तो नहीं है वो ठीक है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं. ऑलराइट, ऐप का नेम जो लोग पूछ रहे हैं, ऐप नेम इज लर्न फॉर एग्जाम. आप लिखिए प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर लिंक तो मैंने हर वीडियो के नीचे दिया ही हुआ है. प्रीवियस की 2-3 वीडियोज हैं, आप उनमें जाएंगे देखेंगे आपको मिल जाएगा ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वॉल्यूम. पता नहीं है वॉल्यूम क्यों थोड़ी सी कम आ रही है. लेट मी चेक. लेट मी सी इट्स कमिंग प्रॉपरली नाउ. इट्स कमिंग और नॉट यार. इट्स कमिंग अब तो आ ही गई है. चलो हेलमेट बैग इज लॉग्ड इन ऐप न्यू रजिस्टर्ड बुक. बुक ओपन हो जाएगी जिनको कोई ऐसा एरर आ रहा हो. सो डोंट वरी फॉर दैट ठीक है. ऐप के अंदर अगर कुछ भी एरर आता है आप support@learnfreedom.com पे मेल कर दीजिए, वो रेक्टिफाई कर देंगे. या एंड टुडे वी रिसेंटली शिफ्टेड टू अवर न्यू ऑफिस विच इज अ रजिस्टर्ड ऑफिस. पुराने वाला दैट ऑपरेशनल ऑफिस. तो अगर आपको मुझसे मिलना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आके मिलिए. गूगल मैप्स में मैंने उसका एड्रेस भी अपडेट कर दिया है. फोन नंबर्स वहाँ पे काफ़ी अपडेटेड हो चुके हैं. लैंडलाइन नंबर भी है ठीक है. सो ऑफिस टाइमिंग लिखी हुई है 6:30 से 6 बजे के अराउंड है. अगर आप उसके बाद में कॉल करें तो यूज इट योर ब्रेन, यू वी कांट टॉक टू यू ओके. सो वहाँ पे टीम बैठती है वो रिप्लाई करेगी. ऑलराइट, सो एक मैं ही नहीं हूँ जो पूरी कंपनी चला रहा हूँ, बहुत सारे और भी लोग हैं. ऑलराइट, मिलके चला रहे हैं. मैं ही फेस दिखता हूँ बट बाकी और भी काफ़ी लोग हैं जो वर्क करते हैं. ऑलराइट, सो उनकी भी लाइफ है. सो इसलिए ऐसे मत लिखा करो कि एक रात के 1:30 बजे मेरा फ़ोन उठाओ, फ़ोन क्यों उठाओ. रात के 1:30 बज रहे हैं यार ठीक है. सो प्लीज़ इतना थोड़ा सोचा करिए ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. बहुत बातें कर ली. फर्स्ट यदि आरसी है सो प्लीज मेक श्योर रीड दिस आरसी विद मी इफ यू वांट और यू कैन जस्ट म्यूट मी और आप अपने आराम से पढ़ सकते हैं ठीक है. सो द फर्स्ट इज जो यहाँ पर है पैराग्राफ ऊपर देर आर ग्रेट मैनी या पहले ही बता दूँ दिस आरसी जो इसका है टॉपिक होएगा समवेयर ऑन मरीन मतलब आपकी वाटर लाइफ से है. जिसको भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वाटर लाइफ के बारे में पढ़ा तक नहीं है ठीक है. सो अब जिन्होंने वाटर लाइफ के बारे में पढ़ा नहीं उनको कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा बट यू हैव टू डू इट. एंड इसके अंदर जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वो इजी होंगे. आरसी कुछ समझने में बहुत टफ हो सकती है. कुछ कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो मैं भी नहीं बोल पाता क्योंकि स्पीशीज के हमने नाम नहीं कभी पढ़े ठीक है. दैट इज ट्रू बट कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा समझिए. आंसर्स अगर आपने आरसी समझ ली तो आपको आंसर्स आ जाएंगे ठीक है. सो द क्वेश्चन इज आरसी इज देर आर ग्रेट मैनी सिम्बॉटिक रिलेशनशिप्स इन द मरीन एनवायरनमेंट. अ पॉपुलर वन ऑफन नोटेड फॉर द स्ट्राइकिंग ब्यूटी ऑफ द
juxtaposition is that of the sea anemone and the clownfish. The anemone has poisoned tentacles which, when they contact passing fish, paralyze the fish and drag the prey in for a meal. The clownfish uses anemone's tentacle garden as a safe haven while attracting prey for the anemone to capture, for it alone is immune to the sting of the anemone. ठीक है, सो इसके अंदर जो सिम्बॉटिक रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि मरीन के अंदर कुछ ऐसे प्राणी हैं, मतलब जैसे कि एक आपका सी एनिमोन जो होता है वो एक कैसे ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको. लेट्स से वो ऐसे 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 करके कुछ होता नहीं पानी में, दिखाते हैं डिस्कवरी में ऐसे ऐसे करके जो घास टाइप होती है उसके अंदर क्लाउन फिश छुपी रहती है और इसके पास से जो भी गुजरेगा उसको पॉइजन लग जाता है और वो मर टाइप जाता है. ठीक है, सो अब ये दिखाया गया कि क्लाउन फिश को कुछ नहीं होता अगर वो उसके अंदर जाती है क्योंकि वो इम्यून है, वो लिखा हुआ एंड में. ठीक है, तो इन दोनों की रिलेशनशिप ऐसी है कि वो इसका यूज करके क्लाउन फिश अपना खाना खाती है. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाले में. सो अगर आपको चाहिए तो एक रिलेशनशिप के बारे में बताया है जो कि एक फिश है और एक प्लांट लिख सकते हैं हम. ठीक है, मैं इतने लिखूंगा इसकी समरी के बारे में एज आई टोल्ड यू. ठीक है, नेक्स्ट इज अनदर सिम्बायोटिक रिलेशन दैट रिमेन्स द सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक पजलमेंट कंसर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्क्रिल रैक्टिनिया. ओके, स्क्रिल रैक्टिनिया द कोरल टाइप हुज कोलोनाइजेशन प्रोड्यूसेस रीफ्स, वो रीफ प्रोड्यूस करता है, एंड देयर सिम्बायोटिक पार्टनर्स द ज़ूज़ैनथिले. ठीक है, ये भी कुछ होगा. द यूनिसेलुलर एल्गी प्रेजेंट इन द कोरल्स एंडोर्मिक टिश्यूज. इट इज नोन दैट Symbiont plays an integral part in the formation of reef's protective limestone foundation. The coral polyps secrete carlicious. आपके पास सही है, मेरे पास गलत है. carlicious spelling. carlicious. Yeah, आपके पास सही है, मेरे पास थोड़ी गलत है. Okay. Exoskeletons which cement themselves into an underlayer of rock, while the algae deposit still more calcium carbonate, which reacts with sea salt to create an even tougher limestone layer. ओके, ये भी एक रिलेशनशिप के बारे में बताया गया. दोनों ही काइंड ऑफ एक कोरल काइंड ऑफ टाइप है और दूसरी जो बताई है वो एक एल्गाई टाइप है. ठीक है, तो उसको हेल्प करती है जो स्क्रिल एंटी जो भी है स्क्रिल एंटीसिनिया. ठीक है, उसकी हेल्प करती है उसको एक लाइमस्टोन एक स्ट्रॉन्ग बनाने में. ठीक है, उसके ऊपर परत टाइप चढ़ाती रहती है. अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे दोनों के बारे में आपको शायद मिल जाएगा. इसकी रिलेशनशिप तो बहुत पॉपुलर है क्लाउन फिश, और अगर आपने नीमो वाली मूवी देखी हो तो उसमें वो जो क्लाउन फिश होती है फाइंडिंग नीमो काइंड ऑफ. ठीक है, तो उसमें होता है. ठीक है, देन कमिंग टू दी, यार आज मेरी आवाज कम है क्या, पता नहीं क्यों सब बोल रहे हैं. स्पीक लाउडली अ लिटिल. ओके, मे बी थोड़ा माइक नीचे है, दैट इज द इशू. जस्ट अ सेकेंड. ओके, आई होप अब आवाज थोड़ी तेज आए. ठीक है, नाउ सेकेंड वाले में देख लेते हैं. सेकेंड वाले में भी अगेन रिलेशनशिप दी हुई है. एक आपको दिया हुआ है कोरल एंड दूसरा है आपका एल्गाइन. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज ऑल्सो नोन दैट ड्यू टू द एल्गाई फोटोसिंथेसिस द रीफ एनवायरमेंट इज हाईली ऑक्सीजन सैचुरेटेड. ये मुझे लगता है सेकेंड वाले के साथ में ही है. ठीक है, वाइल द सिमिलरली हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कैरिड ऑफ रैपिडली. All this accounts for the amazing renewability of coral reefs despite the endless erosion caused by wave activity. However, the precise manner in which one symbiont stimulates the secretion of calcium carbonate by the other remains unclear. ठीक है, तो वो जो एंड में बताया कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आता है वही उनको परेशान कर रहा है साइंटिस्ट को. सो इसी का ही थर्ड में एक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ठीक है, मैं इतना लिखूंगा. देन नेक्स्ट इज Scientists have also proposed various theories to explain the transformation of fringing reefs, those connected above sea level to land masses, into barrier reefs that are separated from shorelines by wide lagoons and then into free floating atolls. अब इसके अंदर आपको बताया कि साइंटिस्ट ने कुछ प्रपोज वेरियस थ्योरीज डाली थी. ठीक है, उसमें से एक आपको बता दी कि सी का लेवल बढ़ गया इसलिए आ गया. दो द थ्योरी postulated by Charles Darwin is considered at least partially correct. Some scientists today argue that the creation of the reef forms has more to do with the rise of the sea level that accompanied the end of the ice age. However, recent drillings at
इनविटेक कोई जगह होगी, एट ऑल हैव अनकवर्ड अ लार्ज अंडरले ऑफ वॉल्केनिक रॉक व्हिच सजेस्ट द डार्विन्स एक्सप्लेनेशन मे हैव बीन मोर वैलिड आफ्टर ऑल। सो कुछ रिसर्च करने के बाद अभी जो साइंटिस्ट हैं आज के, वो ये कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन जो कहता था वो काइंड ऑफ समवेयर अराउंड पार्शली करेक्ट था, ठीक है, सिर्फ सीरियल बढ़ने से ये सब नहीं हो रहा है, ठीक है। सो चार्ल्स डार्विन की बात हुई इसके अंदर, एंड इसके अंदर बोला गया कि जो सी लेवल वाली है उसकी वजह से नहीं हो रहा, ये कुछ वोल्केनिक की वजह से हुआ है, ठीक है। देन आई होप ये तो हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इवन द नेम गिवन टू द रीव्स इज समथिंग ऑफ अ मिसनॉमर, द स्क्रेलिन एंटीसिया स्केलिनिटीसिया देमसेल्व जनरली कंप्राइज नो मोर देन 10% ऑफ द बायोटा ऑफ द एवरेज रीफ कम्युनिटी। जू जेंथेली कैन अकाउंट फॉर अप टू 90% ऑफ द रीफ मास अलॉन्ग विद फोरा मिनी फेरा एनिलेट वॉर्म्स एंड असोर्टेड मोलस्क। मोर एवर रीफ्स कैन फ्लरिश ओनली इन शेलो हाईली सेलाइन वाटर्स अबव 70 डिग्री फेरनहाइट बिकॉज द एल्गी रिक्वायर सच सर्कमस्टांसिस। सो आपको ये बताया कि किस लाइक सिचुएशन में वो पैदा होते हैं, ठीक है, कोरल रीफ जो एल्गी। ओके, येट नोन रीफ बिल्डिंग कोरल्स अकर वर्ल्ड वाइड अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस फ्रॉम द आर्कटिक टू द मेडिटेरियन, होम ऑफ द रेड कोरल प्राइज्ड फॉर ज्वेलरी। द मोस्ट लाइकली रीजन दैट द टर्म कोरल रीफ प्रजिस्ट इज दैट द ब्रिलियंट वेराइटी ऑफ कोरल शेप्स एंड कलर्स मेक्स एस्थेटिक कंसिडरेशन मोर विविड देन बायोलॉजिकल वंस। तो उनका नाम भी आपको कुछ, उनकी जो क्या कहते हैं शेप है, उनका जो कलर है उसकी वजह से रखा गया कोरल रीव्स काइंड ऑफ। और जो बाकी के जो रेड कलर्स होते हैं उनको ज्वेलरी में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और ऊपर बताया गया कि उनकी जो कम्प्लेक्स एक जो ये वाला पार्ट है ये 90% होता है, ठीक है, काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 10% होता है। तो मतलब एक बंदे का ज्यादा यूज है, दूसरी वाली जो चीज है उसका यूज ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो इतने ज्यादा नहीं प्रेजेंट है। 10% है आपका वो स्क्रेलिनिसिया एंड 90% है आपका ज़ूस एंड थैले। ओके, नाउ दिस इज काइंड ऑफ डन, इतना ही था इसके अंदर, और तो कुछ था नहीं। लास्ट वाला कभी मैं लिखना मत, फिफ्थ वाला आपको याद ही रहता है, ठीक है, जो लास्ट में पढ़ता है, दैट इज काइंड ऑफ ट्रिक, यू कैन सेव योर टाइम। ऑल राइट, नाउ डू द क्वेश्चन वन, रीड द वन एंड लेट मी नो कि आपको क्या आंसर आता है, ठीक है। बिम पुणे का बताइए भाई, बकवास कॉलेज है, पूछ लिया हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता, जबरदस्ती बुलवाते हो। टॉप 60 के नीचे मैं कॉलेज रिकमेंड नहीं करता भाई, जो भी पूछते हैं मेरे से ये क्वेश्चंस, साफ सी बात, टॉप 60 उसके नीचे सब बेकार, आपकी मर्जी, आपको जाना है जाइए, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, आई एम नो वन टू कमेंट। मुझे सर इज सेइंग डी, ओके, प्रतीक इट इज नॉट विजिबल देन इंक्रीज द क्वालिटी। आप बहुत ही ज्यादा 240 में देखो तभी आपको दिख नहीं रहा। सीधा की सेइंग डी, कईयों का ए भी आया है। ओके, सो द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द ऑथर सम साइंटिस्ट कंसीडर द टर्म कोरल रीफ अ मिसनॉमर बिकॉज। मिसनॉमर कहाँ बात हुई थी? लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन के साथ अगर आप देखें क्या बोला गया है तब आपको समझ आ जाएगा। डी ऑप्शन अगर आप मार्क कर रहे हैं वो तो उनके नाम के लिए बोला गया है, तो मिसनॉमर नहीं। द कोरल पोर्शन ऑफ अ रीफ हैज लिटिल टू बी विद रीफ सर्वाइवल, ये तो कुछ कहीं लिखा ही नहीं है। नॉन रीफ बिल्डिंग, ये उससे पहले वाले पैराग्राफ के में आ गए, ठीक है, सो सी भी नहीं है। डी इज द लास्ट ऑप्शन, वही आंसर होगा, बाकी आपको पढ़ना तो पढ़ लो। द मेजोरिटी ऑफ रीफ, वही उसके बारे में लिखा हुआ है, वही पूरी लाइन छेपी हुई है। सो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं कि अगर आपके इंटरेस्ट का भी ना हो तब भी आपको पढ़ना चाहिए आरसी, ठीक है, बिकॉज क्या पता ईजी निकले क्वेश्चन। सेकेंडली कभी कभी एज ए टेस्ट टेपे हुए आंसर भी आ जाते हैं,
ठीक है, मतलब लाइन देखो तो पूरी की पूरी सेम आ रही है, ठीक है। बट ये चांसेस बहुत ही कम होते हैं, 99% तो टाइम ये होता है जो लाइन चेपी हुई है वो आंसर नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा ही बोलूंगा मैं, बट 1% चांसेस दे, जैसे कि अभी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड नंबर, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डार्विन्स थ्योरी रिगार्डिंग कोरल रीफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टुडे, अपोनेंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी वुड नॉट एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एक क्रिटिकल रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखते हैं किसकी क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी अच्छी है। काफियों का ए आया था पिछले क्वेश्चन में, कोई बात नहीं यार, सीख जाओगे धीरे धीरे। आंसर इज कमिंग सी। ओके, सो डार्विन की थ्योरी जो है कोरल रीफ के बारे में, उसके क्या ओपोनेंट्स क्या किस बात से आपकी एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। ओपोनेंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी जो डार्विन थ्योरी के अपोजिट हैं वुड नॉट एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो किस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर सकते। कोरल रीफ चेंज फ्रॉम फ्रिंजिंग रीफ टू बैरियर रीफ एंड देन फ्री फ्लोटिंग टॉल्स, क्या मतलब डार्विन की क्या मतलब थ्योरी से इससे क्या मतलब है। एटॉल्स आर फादर फ्रॉम लैंड मासेस देन आर बैरियर रीफ, कुछ मतलब नहीं है। फ्रिंजिंग रीफ इनएविटेबली डेवलप्ड इन टू बैरियर रीफ्स बिकॉज वॉल्केनिक आइसलैंड्स ग्रेजुअली सैंक इन टू द ओशन, इस बात से वो नहीं एग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि डार्विन से भी यही बोला था और एंड में हमने पैराग्राफ में देखा भी था कि उसकी डार्विन की थ्योरी में ये बात बोली गई है, ठीक है। सो सी ही आंसर होगा। नेक्स्ट करिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्क्रीन पर देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली एन अजम्पशन ऑफ साइंटिस्ट स्टडिंग कोरल रीफ्स। आंसर आया किसी का? पैसेज के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली अजम्पशन हो सकती है ऑफ साइंटिस्ट स्टडिंग कोरल रीफ्स, जो साइंटिस्ट हैं कोरल रीफ के बारे में पढ़ रहे हैं उनकी क्या अजम्पशन हो सकती है, पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अपनी नॉलेज मत यूज करना, ठीक है। नेमो याद आ गई। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अगर हम देखें, पहला ऑप्शन, द थ्योरीज ऑफ रीफ इवोल्यूशन थ्रू ग्लेशियल मेल्टिंग एंड थ्रू वॉल्केनिक सब्सिडेंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, कुछ लोग लिख रहे हैं ए डी बी सी, नहीं बी किसी का नहीं आया, ए सी और डी आंसर इज कमिंग। ओके, थ्योरीज ऑफ रीफ एवोल्यूशन थ्रू ग्लेशियल मेल्टिंग एंड थ्रू वोल्केनिक सब्सिडेंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके बारे में कैसे हो सकता है आंसर बताओ। अभी तक तो हमारे पास कोई आंसर आया नहीं है, कुछ अजम्पशन को लेके हम अगर हम आंसर करें तो अजम्पशन को लेके तो हमें ये वाला भी करना पड़ेगा कि सी लेवल की वजह से भी था, ठीक है। तो हम ए आंक मानसर नहीं कर सकते। सी अगर हम देखें, जू जेंथेले आर ऑलवेज फाउंड इन, बिल्कुल ही मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये थोड़ी आंसर अजम्पशन थोड़ी है कोरल रीफ के बारे में। डी इज इंटेंस क्लासिफिकेशन सिंगल हैंडेडली प्रोटेक्ट रीफ्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय वेव्स एंड अदर नेचुरल कॉजेस, डी भी आंसर नहीं है। ए या बी में से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और बी सही आंसर है बिकॉज द थ्री मेन टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स डिड नॉट डेवलप इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, सो ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हमें ऊपर रिलेशन दिख रहे हैं, ठीक है। सो बी होगा आपका आंसर। ओके, गॉट इट, समझ आया। बी अब आया एक दो लोगों का बस, बाकी सबका तो सी और डी तो कभी होता नहीं, ए और बी में से आंसर हो सकता था, जिन्होंने ए किया वो समवट ठीक ठाक था, बट करेक्ट आंसर इन दिस इज बी, ठीक है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं. द पैसेज मेंशंस अ रीसेंट ड्रिलिंग्स एट द इनविटक टॉल एट ऑल. दिस रेफरेंस सर्व्स टू. बहुत इजी है ये तो. दिस इज वे टू इजी. ओके एंड आफ्टर दिस देयर इज अ शॉर्ट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. तो प्लीज वेट फॉर दैट. ओके क्योंकि एनमेट का एग्जाम शुरू होने वाला है. मस्त है प्रोफेसर. थैंक यू वेरी मच अमन. इसका आंसर बहुत इजी है यार. पैसेज में क्या मेंशन किया गया है कि जो रीसेंट ड्रिलिंग्स हो रही हैं एनाटॉल में उसका सर लाइक क्या है. या द करेक्ट आंसर इज सी. इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी देने में थोड़ी सी अलग ही लगेगी. सी है स्ट्रेंथन द क्लेम्स मेड बाय डार्विन कंसीडरिंग रीफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि उसी के लिए तो स्ट्रेंथन डार्विन के ही तो काम को आगे वो दिखा रहा है कि अगर हम वोल्केनिक जो भी उन्होंने डिगिंग की है ड्रिलिंग्स की है उसके बाद वो लिखा हुआ मेंशन है. ठीक है तो अगर आप पढ़ना चाहो तो वो वाला पढ़ सकते हो ऊपर जाके. ठीक है ऑलराइट. या एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ जस्ट अ सेकेंड. सो द मेन अनाउंसमेंट इज एनमेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं. ठीक है एंड आई एम गोना मेक अ वीडियो जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डेट्स बुक करें. ठीक है बिकॉज एनमेट ऐसा एग्जाम है जो आप सही डेट पर सही टाइम पर देख के आए वरना बहुत बेकार हो सकता है. ठीक है सो प्लीज मेक श्योर स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल. आई विल पब्लिश अ वीडियो रिगार्डिंग दिस व्हेन टू अटेम्प्ट द एनमेट एग्जाम. व्हाट इज द करेक्ट डेट टाइम बहुत मैटर करती है ये चीज़ें. ठीक है अगर आपको एनमेट निकालना है वरना बाद में रोते रहना दे देना कभी भी पता लग जाएगा आपको. अगर जिनको जो नए स्टूडेंट है जो थे उससे कि कभी भी दे सकते हैं जस्ट ट्राई इट डू इट. जो अगर आपको पहली विंडो में पहले दिन देना है देख के देखो रिजल्ट आएगा आप मेरे पास आओगे. ठीक है सो डोंट वरी फॉर दैट. या वन मोर थिंग इज हमारी वेबसाइट पर एनमेट मॉक 1 लाइव हो चुका है. जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली होगी वही दे सकते हैं पहले बता दो. तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता आपका क्या स्कोर आता होगा आप जो अपनी टेस्ट सीरीज देते हो. बिकॉज पहली बात पूरे जितने भी एमबीए के एग्जाम्स हैं ये याद रखना इसका सॉफ्टवेयर सबसे अलग है एनमेट का. क्यों वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. एनमेट का अगर हम देखें तो कंप्यूटर पे क्वेश्चन इतना आता है. ठीक है ऑप्शंस यहाँ होते हैं एक तो 5 होते हैं पहले. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पैलेट नहीं होता है जैसे कैट में होता है. आप सीधा फर्स्ट से 30 सेकंड में जंप कर सकते हो क्वेश्चन में. ठीक है ऑलराइट. सो बट इधर में एनमेट में नहीं होता है. तो पहले तो ये वाला फॉर्मेट देखना जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है उसके अंदर ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए. अगर वहाँ पे क्वेश्चन पैलेट आ रहा है एनमेट की टेस्ट सीरीज में तो वो वाली टेस्ट सीरीज बेकार है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है क्योंकि उसमें सिर्फ फ्लैग फॉर रिव्यू होता है और नेक्स्ट 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 होता है. आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि पहला क्वेश्चन देखो सीधा 32 पे जंप कर लो. यू कैन डू दिस इन दी एनमैट. ओके एंड जब आप ये देंगे प्लीज डोंट डू दी गेस वर्क. आई रिक्वेस्ट यू गेस वर्क अभी नहीं करना है बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. तो ये होता है कि स्टूडेंट के सारे मार्क करके देखते हैं कितने नंबर आए. प्लीज अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो. ठीक है सो डोंट डू दी गेस वर्क. ऑलराइट विदाउट गेस वर्क दीजिए एंड फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा आप कितने नंबर आ रहे हैं तो आपको किस हिसाब से देना चाहिए. ठीक है सो प्लीज विद इन 3 to 4 days वीडियो आ जाएगी. सो उससे पहले पहले एक मॉक दे दीजिए. ठीक है जो भी हमारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हमारे साथ या टेस्ट सीरीज में है वो एनमेट मॉक 1 जरूर दे दें. ठीक है विदाउट गेस वर्क दें. बाकी के अगर आपके पास अपनी टेस्ट सीरीज है कोई बात नहीं है बट मेक श्योर सॉफ्टवेयर सेम होना चाहिए. ठीक है अगर वो अलग है तो भाई फिर आप गलत कर रहे हो. ठीक है ये चीज़ याद रखना बस और कुछ नहीं है. ठीक है Alright, that's it. Thank you very much for attending this session. Don't forget to hit the like button if you like this video. Share this video with all your friends. I will meet you in the next session. जो कि हम LR के ऊपर ही करेंगे. Last class हमने LR में करी थी तो उसमें 2 questions रह गए थे because of some tech issue. But हम next class करेंगे LR के ऊपर. वो भी question continue करेंगे. एक नया question और करेंगे. Alright. So mocks are making me do motivative. Okay. यार mocks से motivate होना चाहिए. Number कम आ रहे हैं तो और number लाने की प्रेरणा आनी चाहिए अंदर से. डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए. ठीक है मैसेज सेंड कर दिया डिलीट मत करो भाई वो कर रहे मैं तो कुछ नहीं कर सकता जिसको करना है. मैं तो आपके सामने खड़ा हूं मैं यहीं से मैसेज पढ़ रहा हूँ. ओके ओके ऑल राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. हैव अ लवली डे अहेड. आई विल मीट यू ऑन थर्सडे विद एलआर सेट.